हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस नए वीडियो में हम देखने वाले हैं पेल्टियर मॉड्यूल के अंदर का सारा मैकेनिज्म। किस तरीके से काम करता है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप भी देखना चाहते हैं इस वीडियो को, तो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या होता है, तो फ्रेंड्स वीडियो को जरूर से एंड तक देख लेना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटी है फ्रेंड्स, तो पूरा ही देख लेना। तो सबसे पहले बता दूं, इसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक माइनस का एक प्लस का, ठीक है फ्रेंड्स। कोई सेंस है इस बात? उसके बाद फ्रेंड्स इस साइड पे जब इसे पावर देते हैं हम, तो फ्रेंड्स इस साइड काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है ये, एंड इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इसे 12 वोल्ट की बैटरी से आप चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये 12 वोल्ट की बैटरी मैंने घर पर बनाई है। किस तरीके से बनाई है, अगर आप इसकी मेकिंग वीडियो देखना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा फ्रेंड्स। तो इसे साइड में रखते हैं एंड इसे खोलते हैं। तो ऑलरेडी मैंने इसे खोला हुआ था, देखिए कुछ इस तरीके से इसका मैकेनिज्म रहता है। अंदर कुछ कुछ सेमीकंडक्टर्स लगे हुए थे, देखिए कुछ कुछ सेमीकंडक्टर लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स जैसे प्रकार से सोलर पैनल के अंदर लगा रहता है सेमीकंडक्टर, उसी तरीके से इसमें भी लगा रहता है, बट इसका जो सेमीकंडक्टर है वो फ्रेंड्स अलग यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जो बिस्मिथ रहता है फ्रेंड्स, उसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये ठंडा गर्म जो करता है फ्रेंड्स, ये इसके पेल्टियर इफेक्ट के कारण होता है। तो जिस प्रकार से मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इसके अंदर काफ़ी कुछ निकलेगा, बट वैसा तो नहीं निकला। काफ़ी सिंपल तरीके से इसका मैकेनिज्म है, काफ़ी सिंपल तरीके से इसे बनाया गया है, और काफ़ी अद्भुत चीज़ है फ्रेंड्स, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा किसी भी चीज़ को ठंडा और गर्म कर देता है। तो इसी कारण से मेरे मन में आया कि फ्रेंड्स मैं इसे खोल कर देखूँ क्या होता है इसके अंदर, एंड आपको भी दिखाऊँ फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है और हर कोई इसे तोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो ये भी मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं किसी प्रोजेक्ट के लिए इसे मंगवाया था, तो फ्रेंड्स ये टूटा हुआ ख़राब पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर खोल कर देख ही लेते हैं कि ऐसा क्या चीज़ होता है। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से ही है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। तो फ्रेंड्स आपके जो मन के जो चीज़ है फ्रेंड्स, वो आई होप आपने दूर कर ली होगी कि इसके अंदर कुछ ऐसा प्रकार से कुछ अलग चीज़ रहती होगी। तो फ्रेंड्स अलग चीज़ बिल्कुल नहीं होती, कुछ इस प्रकार से सिंपल मैकेनिज्म के अंदर ये वर्क करता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ गई तो फ्रेंड्स वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए किसी टॉपिक के साथ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना फ्रेंड्स।